नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम सिलेंट्रेटा को फाइलम निडेरिया भी कहते हैं। तो चाहे अगर निडेरिया लिखा हो या फाइलम सिलेंट्रेटा लिखा हो, तो दोनों का मतलब एक ही है। आज हम इसी संघ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म शामिल है, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, उनको जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बारे में जान लिया है। सिलेंट्रेटा का मतलब है कि इसी में कोरल रीफ आते हैं। मूंगा चट्टानों के बारे में आप लोग जानते होंगे। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में जो है, उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। सी एनिमोन के बारे में आप जानते होंगे। जेली फिश के बारे में आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो अब इस वीडियो में सब कुछ आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब के सब जो है फाइलम सिलेंट्रेटा से जुड़े हुए हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्य हैं। तो चलिए देखते हैं कि फाइलम सिलेंट्रेटा में कौन कौन से जीव शामिल होते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनके हैबिट और हैबिटाट के बारे में। सिलेंट्रेटा एक ऐसा संघ है जिसमें जो है लगभग मरीन यानी जो समुद्र में रहने वाले जीवों को शामिल किया जाता है। लगभग ऑलमोस्ट 99% ऑफ द निडेरियंस आर मरीन फार्म्स। मरीन फार्म का मतलब है कि ये समुद्री जल में पाए जाते हैं। लगभग 99% जो है सिलेंट्रेट होते हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं। और दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये पूरे विश्व में जितने भी समुद्र हैं उन समुद्र के जल में सिलेंट्रेट पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द देम आर सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ द सी एंड आर लिटोरल। जो समुद्र के किनारे होते हैं वहाँ पे सिलेंट्रेट जो होते हैं या जो निडेरियंस होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। किनारों पे सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। और सम ऑफ द दीज मरीन फार्म्स आर एक्टिव स्विमर्स एंड आर पेलेजिक इन हैबिट। और इन मरीन फार्म्स में से जो अधिकांश होते हैं वो एक्टिव स्विमर होते हैं, यानी दिन भर तैरते रहते हैं, समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। और प्लेजिक होते हैं, मतलब ऊपर सतह पे बहुत कम आते हैं, नीचे जल के अंदर ही बहुत तेज़ी से तैरते हैं। देन ओनली ए फ्यू आर फाउंड इन डीप सी। बहुत कम ऐसे होते हैं सिलेंट्रेट जो डीप सी में पाए जाते हैं। नहीं तो सब के सब कहाँ पे पाए जाते हैं, किनारे की तरफ पाए जाते हैं। समुद्र का जो किनारा होगा, जो शोर होगा, जो बीच होगा, वहाँ पे ये मिलते हैं। द डीप सी फॉर्म्स आर ऑफन ल्यूमिनिसेंट एंड एमिट लाइट। और जो डीप सी में पाए जाते हैं ना, उन सिलेंट्रेट की खास बात ये होती है कि ये ल्यूमिनिसेंट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि इनकी शरीर से लाइट निकलता है। ल्यूमिनिसेंट का मतलब यही होता है कि लाइट निकलने वाला, जैसे जुगनू होता है रात में चमकता है, वैसे ही जो डीप सी में पाए जाने वाले सिलेंट्रेट होते हैं उनका शरीर भी रात में एकदम जलता है, जगमगाएगा, पूरी लाइट निकलती है। कुछ फ्रेश वाटर निडेरियंस आर वेरी फ्यू। कुछ ऐसे निडेरियंस होते हैं जो ताजे जल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द देम लगभग 90% 99% जो है निडेरियंस जो होते हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं। एक फ्रेश वाटर निडेरियन का एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा सिलेंट्रेट है या ऐसा निडेरिया है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। बाकी और जितने भी निडेरिया या सिलेंट्रेट होते हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, एक सिलेंट्रेट है जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जेली फिश, जेली फिश फिश नहीं है, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिश है, तो पहला ऑप्शन ये दिया होगा जेली फिश। जितने भी तुक्केबाज होते हैं यानी सूडो तुक्केबाज होते हैं उनका पहला ऑप्शन जेली फिश पे होगा, लेकिन जेली फिश इज नॉट अ फिश। जेली फिश जो है एक सिलेंट्रेट है। ये देख लो, फिश जैसा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो जेली फिश क्या है, एक सिलेंट्रेट है। देन एक और एग्जाम्पल देख लीजिए सिलेंट्रेट का है, ये है मेट्रीडियम। मेट्रीडियम दिख रहा है जैसे प्लांट, जैसे कोई पौधा हो, लेकिन पौधा नहीं है, एक एनिमल है। जितने भी सिलेंट्रेट हैं सब एनिमल हैं, हम क्योंकि हम लोग जूलॉजी ही पढ़ रहे हैं जिसमें सिर्फ एनिमल्स का अध्ययन होता है, प्लांट्स का नहीं।
एक और देखिए, ये देखिए ओबेलिया, ओबेलिया भी सिलेंट्रेट है लेकिन दिखता जैसे प्लांट है, लेकिन जो है आप लोग मूर्खता नहीं करेंगे, सब के सब क्या हैं, एनिमल्स हैं। और जेली फिश जो है वो फिश नहीं है बल्कि क्या है, एक सिलेंट्रेट है। खाने ना लगना है ना कि जेली फिश मिल रहा है चलो खा, जितने जो है फ्राई करके जो है जेली फिश खाओ, जेली फिश जो है सिलेंट्रेट है। चलिए और कैरेक्टर्स जानते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में, और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिलेंट्रेटा। देन क्योंकि जो सिलेंट्रेटा होते हैं इसी में कोरल रीफ भी आते हैं, जो कोरल्स होते हैं जो समुद्रों में पाए जाते हैं जिसे हम मूंगा चट्टाने कहते हैं या मूंगा कहते हैं, वो भी सिलेंट्रेट फाइलम के ही जीव होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे, इसी स्लाइड में इसी वीडियो में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा पूरे सिलेंट्रेट को एक साथ देखते हैं कि उनके कैरेक्टर क्या होते हैं। तो जितने भी सिलेंट्रेट्स होते हैं वो मेटाजोआ होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं विथ टीसू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो सिलेंट्रेट होते हैं वो मेटाजोआ होते हैं, मेटाजोआ मतलब ऐसे जोन, मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर जो होता है एक से अधिक सेल से बना होता है, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टीसू ग्रेड का होता है। पहले हमने पढ़ा प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ क्या थे, यूनिसेलुलर एनिमल थे, यानी सिंगल सेल की उनकी पूरी बॉडी बनी हुई थी। फिर हमने पढ़ा पोरीफेरा, पोरीफेरा भी जो क्या थे वो मल्टी सेलुलर थे, लेकिन सेलुलर थे, सेल के ही बने हुए थे, कुछ सेल मिलके जो है पूरी पोरीफेरा की बॉडी बनाते थे। यहाँ पे जो है टीसू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब टीसू क्या होते हैं, टीसू क्या होते हैं कि समान प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए ऐसे समूह होते हैं, यानी समान प्रकार की कोशिकाओं के बने हुए ऐसे समूह होते हैं जो समान कार्य करते हैं, इन समूहों को ही टीसू कहा जाता है। मान लीजिए एक टीसू है, इस टीसू में ढेर सारा डिवीजन हुआ है ना, तो ये एक पूरा एक समूह बना लेगा, और ये समूह अगर एक समान काम कर रहा है तो इस समूह को ही टीसू कहा जाता है। हम लोगों के शरीर में भी बहुत सारी प्रकार के टीसू पाए जाते हैं, जैसे ब्लड क्या है, एक टीसू है, आपके मसल्स क्या हैं, टीसू हैं। इनकी उत्पत्ति जो है समान प्रकार की कोशिकाओं से होती है, और एक तरह के जो टीसू होते हैं वो एक ही प्रकार का काम करते हैं। सो जो सिलेंट्रेट होते हैं उनमें टीसू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी टीसू के ऊपर और कुछ नहीं पाए जाते हैं, यानी इनमें किसी प्रकार का कोई अंग या ऑर्गेन्स नहीं पाए जाते हैं। हम लोगों में तो ढेर तरह के ऑर्गेन पाए जाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम पाए जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेन सिस्टम लेवल का है, लेकिन जो सिलेंट्रेट होते हैं उनकी बॉडी में कोई भी ऑर्गेन या कोई ऑर्गेन सिस्टम नहीं पाया जाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो टीसू ग्रेड लेवल की है। देन हम बात करते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, हमने पहले कहा था कि 99% सिलेंट्रेट जो होते हैं मरीन होते हैं, सब के सब जितने भी सिलेंट्रेट होते हैं वह सब के सब एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब होता है कि जल में पाए जाने वाले जो सब के सब वाटर में पाए जाते हैं, जितने भी सिलेंट्रेट होते हैं वो वाटर में पाए जाते हैं, और किस वाटर में, मोस्टली मरीन वाटर में, समुद्री जल में पाए जाते हैं। कुछ हैं एक्सेप्शन है जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे हाइड्राज, जितने भी हाइड्राज होते हैं ये सिलेंट्रेट होते हैं, और ये ऐसे सिलेंट्रेट हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे तालाब में पाए जाएंगे, रिवर में पाए जाएंगे, क्योंकि इनका वाटर कैसा होता है, फ्रेश वाटर होता है, ताज़ा जल होता है, पीने योग्य होता है, और जो समुद्र का जल होता है वो खारा होता है। तो अधिकांश जो सिलेंट्रेट होते हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं, सागरों में मिलेंगे। देन इंडिविजुअल्स आर रेडली या बाई रेडली सिमेट्रिकली विथ ये सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कम्युनिकेटिंग टू द एक्सटीरियर बाई द माउथ। ये पॉइंट देखो, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इनके सदस्य होते हैं, उनका शरीर जो होता है वो रेडियली या बाई रेडियली सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्री का मतलब होता है कि जो शरीर के अंग होते हैं, जो शरीर की संरचना होती है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका संगठन कैसा है। रेडियली का मतलब होता है, और बाई रेडियली, दो का मतलब ये होता है कि बाई रेडियली, पहले समझो, बाई रेडियली का मतलब यह है कि
कि आप जो है किसी ऑर्गेनिज्म का शरीर सिर्फ एक ऐसे तरीके से काट सको कि वो दो समान भागों में बट जाए। जैसे हम लोगों के शरीर को अगर मैं कहूं कि आप किसी इंसान के शरीर को इस तरह से काटिए कि उसके दो समान हिस्से हो जाएं, अगर आप बीच से यानी पेट से काटोगे तो भी आपको दो समान हिस्से नहीं मिलेंगे, एक तरफ पैर हो जाएगा एक तरफ सिर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर से सिर से लेके पैर की तरफ काटो बीचों बीच तो आपको दो समान हिस्से मिलेंगे, एक लेफ्ट वाला हिस्सा एक राइट वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से एकदम समान होंगे। ठीक है, अगर बीच से काटो तो आपको दो समान हिस्से मिलेंगे। तो अगर शरीर का अरेंजमेंट इस तरह है तो इस प्रकार की सिमेट्री को बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर कैसा है, बाई रेडियल सिमेट्री है। लेकिन हम एक अगर बॉल आपको दे दें और इस बॉल को कहें कि आप जो है दो समान हिस्सों में काटिए, कितने तरीके से काट सकते हैं, तो आपके पास लाखों तरीके हैं, आप अनगिनत प्रकार से काट सकते हैं, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, नीचे से दाएं काट सकते हैं, तिरछा काट सकते हैं, बहुत तरीके से काट सकते हैं। और बीच से अगर काटेंगे तो दो समान हिस्से ही प्राप्त होंगे, इसे ही कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। सो जो सिलेंट्रेट होते हैं वो उनका शरीर या तो रेडियली सिमेट्रिकल होगा, यानी कई ऐसे तरीके से आप उनके दो समान भागों में काट सकते हैं, या फिर बाई रेडियली सिमेट्रिकल होगा, यानी सिर्फ लेफ्ट और राइट दो ही समान हिस्सों में काट पाएंगे। देन इनके शरीर में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, इनके शरीर में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, माउथ। इनमें एनस नहीं पाया जाता है, सिर्फ माउथ होता है, एक ही एक्सटीरियर ओपनिंग होती है, वो माउथ और एनस दोनों का काम करता है। और इनके शरीर में जो कैविटी होती है यानी बीच में जो खोखला होता है, जितने भी सिलेंट्रेट होते हैं उनका शरीर बीच से खोखला होता है, यानी गड्ढा पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है, और इस कैविटी को कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। जब हम लोगों ने पॉरीफेरा पढ़ा था तब हमने कहा था कि पॉरीफेरा का शरीर भी खोखला होता है, और उस खोखले हिस्से को यानी वो जो गड्ढा है उसको क्या कहते थे, स्पॉन्जोसील कैविटी, क्योंकि पॉरीफेरा मतलब स्पंजेस, स्पंज का अध्ययन होता है उसमें। स्पंज के शरीर का जो खोखला हिस्सा होता है, जो गड्ढा होता है, उसको कहते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी। लेकिन जो सिलेंट्रेट होते हैं उनके शरीर की जो खोखलापन, जो गड्ढा होता है, जो हिस्सा होता है, कैविटी होती है, उसे कहते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और फिर बात करते हैं कि ये एसिलोमेट एनिमल होते हैं, बिकॉज दे डू नॉट पॉजेस ये सेकेंड बॉडी कैविटी द सीलोम। सीलोम क्या होता है कि बॉडी कैविटी, एक अलग तरह की बॉडी कैविटी होती है। हम लोगों के शरीर में दो तरह के कैविटी पाए जाते हैं, एक तो इंटेस्टाइन वाला, मतलब दो नली होती है, एक तो इंटेस्टाइन जो आंत वाला जो है एलिमेंट्री कैनाल, वो एक नली है, एक शरीर के अंदर बड़ा वाला कैविटी होता है यानी गड्ढा होता है, जिसे हम सीलोम कहते हैं। सिलेंट्रेट में सीलोम नामक कैविटी नहीं पाई जाती है, यानी ये सब के सब एसिलोमेट एनिमल होते हैं। देखो जितना जान सको, जितना याद कर सको उतना याद करो, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक में यानी इस फाइलम में जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये जानने वाला है, कोरल्स, कोरल के बारे में हम लोगों को जानना ज़रूरी है। तो ये एक थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर हो गया, जिससे आप लोग जो है इस फाइलम के बारे में मोटा मोटा आपको अंदाज़ा लग जाए। चलिए और आगे देखते हैं। एक और ख़ास बात जो होती है सिलेंट्रेट की, होती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपिया। बहुरूपिया का क्या मतलब है, मतलब कोई ऐसी प्रजाति जिसमें ऐसे ढेर सारे जीव मतलब सदस्य हों जिनका रूप रंग जो है अलग अलग हो, मतलब बहुरूपता हो, अलग प्रकार के रूप में पाए जाते हों। चूंकि जो भी सिलेंट्रेट होते हैं वो कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में रहने का मतलब है कि समूह में रहते हैं, कभी अकेले नहीं रहते हैं, 100 का समूह बना लेंगे, 1000 का समूह बना लेंगे, 1,00,000 का समूह बना लेंगे, वो एक पूरी कॉलोनी में रहते हैं, एक पूरी कॉलोनी बसाते हैं, और उस कॉलोनी में अलग अलग रूप रंग के सदस्य होते हैं। और इस तरह का अगर जिसमें भी कंडीशन पाया जाता है उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म यानी बहुरूपता। तो बहुरूपता जो है कोरल्स या फिर जो सिलेंट्रेट होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
अब हम बात करते हैं निडिल सेल की। जितने भी सिलेंट्रेट होते हैं उनके बॉडी में जो है निडिल सेल पाए जाते हैं, जिन्हें नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट कहते हैं। इसी से इसका नाम पड़ा था निडेरिया। निडेरिया में जो है वो नीडोसिस्ट या नीडोब्लास्ट नामक निडिल सेल पाए जाते हैं, यानी उनमें सुई की तरह संरचना होती है। जब भी इन सिलेंट्रेट के पास कोई शिकार या कोई दुश्मन जाता है तो वह इसी निडिल से जो है उस पर हमला बोल देते हैं, और उसमें जो है कुछ पॉइजन होता है जिसकी वजह से जिसको भी ये स्टिंग करते हैं, जिसमें निडिल चुभोते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको पैरालिसिस हो जाता है। ये सब आपको जो दिख रहा है पतले पतले थ्रेड जैसे या धागे जैसी संरचना दिख रही है, ये सब निडिल हैं। और जब भी कोई इसके करीब जाएगा, इनके करीब जाएगा, तो ये उनसे जो है हमला बोलेंगे। सो निडिल सेल जो होते हैं उनके स्टिंजिंग का बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। कभी भी समुद्र में अगर जेलीफिश के संपर्क में कोई इंसान आ जाता है तो सभी जेलीफिश मिलकर जो है उस पे हमला बोल देते हैं। हालत कुछ इस तरह से हो जाती है। देन ये है जेलीफिश। जेलीफिश जो है उसका जो साइंटिफिक नेम है उसे अरेलिया कहा जाता है। अरेलिया जो होती है वो बायोल्यूमिनेसेंट भी होता है, यानी रात के समय में इसमें चमक दिखती है, लाइट दिखती है। और जो एक चीज़ और याद रखना है वो ये है कि जेली फिश जो है वो फिश नहीं है बल्कि एक सिलेंट्रेटा है। अब बात करते हैं कोरल्स की। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना है, वो है कोरल्स या फिर मूंगा। कोरल्स क्या होते हैं कि ऐसे सिलेंट्रेट हैं जो कुछ एल्गी के साथ सहजीवन में रहते हैं। जो कोरल्स होते हैं वो सिलेंट्रेटा के ही सदस्य हैं। इनको सी एनिमोन्स कहा जाता है। जो कोरल्स होते हैं उनको सी एनिमोन्स कहा जाता है, या सी एनिमोन्स जैसे सिलेंट्रेट होते हैं। और ये एल्गी के साथ, एल्गी मतलब शैवाल, और शैवाल क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। सो ये जो कोरल्स होते हैं ये प्लांट के साथ सहजीवन में रहते हैं, और सहजीवन या सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि इसमें जो भी सदस्य शामिल होते हैं उसमें दोनों को लाभ होता है। एल्गी जो होते हैं, जो शैवाल होते हैं, चूंकि प्लांट हैं, सो प्लांट हैं तो उनकी सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल की मदद से वह सनलाइट को कैप्चर करते हैं और फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं, और ये भोजन तो खुद भी खाते हैं साथ ही ये कोरल्स को भी खिलाते हैं। ये लाभ हो गया कोरल को, मिलता है क्या, एल्गी से मिलता है भोजन। और जो कोरल होता है वो एल्गी को वाटर देता है, सुरक्षा देता है, और कुछ मिनरल प्रोवाइड करता है। तो इसमें दोनों को ही लाभ हो रहा है, जो एल्गी उनके साथ रह रहा है उसको भी लाभ हो रहा है, और कोरल को जो है भोजन मिल रहा है। ये जो कोरल्स होते हैं ये लाइम या चूना पत्थर का स्राव करते हैं, और यही चूना पत्थर धीरे धीरे जो है जमा होता जाता है, और कई हजार सालों में जो होता है एक विशाल जो है चट्टान का रूप ले लेता है। कोरल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रेन कोरल, सी फाइन कोरल, फंगोइड कोरल। ये सब कैसे हैं, ये कोरल के एग्जाम्पल। कोरल का मतलब प्लांट नहीं होता है, कोरल जो है वो सी एनिमोन है जो कि एक सिलेंट्रेट है, और ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है, उसके साथ सहजीवन में होता है। अब हम कुछ कोरल रीफ्स के बारे में बात करते हैं। कोरल की बात अगर हो रही है तो कोरल का मतलब हो गया सी एनिमल्स, मतलब सी एनिमोन, और रीफ का मतलब होता है चट्टान या ढेर। जब कोरल जो होते हैं ढेर सारा लाइम निकालते हैं अपने शरीर से, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समुद्र में जो है कोरल की एक चट्टान बन जाती है, लाइम स्टोन की चट्टान बन जाती है। तो इस तरह से जो है एक बैरियर का निर्माण हो जाता है। इस तरह का एक एग्जाम्पल आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूरब के क्षेत्र में मिलता है। ये जो आपको दिख रहा है समुद्र में रीफ जैसा या बैरियर जैसा, ये कोरल का बना हुआ है। कोरल के जो लाइम स्टोन है, जो उससे शरीर से जो चट्टान निकली थी, जो चूना पत्थर निकला था, उससे बना हुआ है। देन
कोरल रीफ में बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पे मछलियों और समुद्री जीव की इतनी ज़्यादा डायवर्सिटी होती है कि और ऐसी कहीं पे भी इतनी ज़बरदस्त डायवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है। द रिचेस्ट बायोडायवर्सिटी ऑन द ग्लोब आपको कोरल रीफ में ही मिलता है। कोरल रीफ का इकोनॉमिक और इकोलॉजिक दोनों तरह का इम्पोर्टेंस है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये है कि इसका प्रयोग जो होता है सीमेंट बनाने के लिए, मोटार बनाने के लिए किया जाता है। इससे बहुत सारे जो होते हैं कीमती जो है पत्थर प्राप्त होते हैं। मूगा जो ज्योतिषी होते हैं वहाँ पे जो है अगर आप जाएंगे तो उनके पास मूगे की चट्टान होती है जिसका वह अंगूठी बनाते हैं या फिर ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये कोरल रीफ का जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, उससे प्राप्त होता है सीमेंट बनाने का कच्चा मटेरियल प्राप्त होता है, मोटार या गारा बनाने वाला मटेरियल प्राप्त होता है, चट्टाने प्राप्त होती हैं और विभिन्न तरह के बिल्डिंग मटेरियल प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मछली का पालन जो है, मछली पकड़ना जो है आसान होता है क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं। इकोलॉजिक इम्पोर्टेंस की बात करें, इकोलॉजिक का मतलब पारिस्थितिकीय लाभ क्या है, तो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी का मतलब है कि बहुत प्रकार के यानी जीवों में बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर वाले जीव पाए जाएंगे, बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाएंगी। तो ये सब का सब रहा सिलेंट्रेट के बारे में। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निमाइटी हेलमेंथीज और प्लेटी हेलमेंथीज की, जिसमें हम लोग राउंड वर्म और फ्लैट वर्म को पढ़ेंगे।